Sanaa is documentary ke baad, but I was really waiting to watch it, so I was really glad that it's happening. And yeah, I would absolutely pounce on an opportunity like this. बहुत है. I'll give you a, I have a big like 2 terabyte. There's a documentary I recently saw about how Russian dancers came to India and how they initially came and sort of now what the state of the Russian people who dance as a background as background dancers is. I think that's the most recent I saw. मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ अच्छा सुना है, और मैं पूरा ब्लैंक स्लेट लेके आई हूँ, तो अभी आज जाते वक्त आपको बताऊंगी. क्या बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है यार. बट आई डोंट नो, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट द होल थिंग, बट टू ईच हिज ओन रियली एट अ पॉइंट. बट आई होप दैट इट्स ऑल हैपेंस इन लिमिटेड लिमिटेशंस, यू नो. हाँ, मतलब मुझे इनवाइट किया और कहा कि ऐसे ऐसे मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो आ जाओ. तो यू नो, यू आर रियली काइंड टू हैव आस्क्ड मी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट दिस इज अ एमी, सो लेट्स स्टिक टू दैट. वी विल चैट अबाउट इट लेटर. थैंक यू सो मच राधिका. ये मेरा दोस्त है आसिफ कबाड़िया, जिसने कि मेरा फिल्म का करियर शुरुआत की थी. एक तरह से मेरी ज़िंदगी को चेंज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है. उसकी फिल्म है, इसके पहले उसकी फिल्म थी सेना, जो माइंड बॉगलिंग फिल्म थी, और ये भी बहुत एक्सेप्शनल फिल्म है. तो इसीलिए यू नो मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ दोस्तों के लिए. अभी तो रिलीज़ होगी फिल्म, तो पता चलेगा, बट जैसा माहौल है आजकल, लोग फिल्म देखना चाहते हैं, अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, और ये शुरुआत है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री उस तरह से रिलीज़ नहीं होती है. बट ये फिल्म जो है माहौल बदलेगी, और लोग जिस तरह का एंगेजिंग ड्रामा देखना चाह रहे हैं, ये इस फिल्म में है वो. और आप लोगों को सरप्राइज होगा जिस तरह से लोग इस पर रिएक्ट करेंगे, लोग जिस तरह से बिजनेस होगा फिल्म. इंडियन मार्केट बदल रहा है, क्योंकि ऑडियंस को जो है नए नए तरीके का रिफाइंड किस्म का एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो ये आई थिंक उस तरह की डिमांड की पूर्ति करेगी. सर, आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है? हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, और चीज़ें जो है बेहतर से बेहतर हो रही है. आपकी खुद की प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म आ रही थी मदारी, उसका क्या हुआ? मतलब अभी आएगी वो, जब आएगी तब बात करेंगे. लुक काफ़ी चेंज हो गया है, पहले आपको वो सॉफ्ट हो गया. हाँ, जज्बा के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, जज्बा का तो लुक आउट हो गया है, तो आपको पता है उसमें कुछ नयापन नहीं है. सर, थोड़ा इसमें पीकू में था चेंज, तो जिस तरह का मतलब थोड़ा बदलते रहना चाहिए, आदमी को बोर रहता है आदमी ना अपने आप से. डी वी टी रिलीज़ होती है तो लोगों को बताने के लिए कि डी वी टी रिलीज़ हुई है, आइए देखिए, तो उसके लिए आते हैं आप, और आप चाहते हैं कि लोगों के दिल में रहें आप. आसिफ के साथ आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म थी, आगे भी वॉरियर. हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी फिल्म में हम लोगों का साथ हो. वो भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. अभी ये किस्मत की बात है, कभी सब्जेक्ट अगर मिल गया तो हम बहुत जल्दी साथ काम करेंगे. बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, 300 करोड़ क्लब होते हैं, लेकिन आप एक नए क्लब में एंटर हो गए, जुरासिक पार्क का क्या कलेक्शन है ऑफिशियल आपसे जानना चाहेंगे? मैं पता करके बता रहा हूँ. अभी नेट पे सबको पता है यार कलेक्शन में क्या बताएं. जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, दिस डॉक्यूमेंट्री इज गार्निंग अ लॉट ऑफ अटेंशन वर्ल्ड वाइड, तो इरफान सर ने स्क्रीनिंग रखा है, एंड वी आर वेरी ईगर टू सी द फिल्म. मिस्टर कश्यप ऑल्सो टोल्ड मी टू सी दिस फिल्म, ही सेड इट्स अ मस्ट. तो वी आर वेरी कीन एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे इन लोगों ने स्क्रीनिंग रखा है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर इंटरनेशनल वर्क, यू नो, स्क्रीनिंग्स ओवर हियर. तो फिल्म देखने के बाद और ड्रग्स को लेकर आपकी क्या धारणा है, क्या कहना है? ड्रग्स कितना
ड्रग्स का मैंने भी ड्रग एडिक्ट प्ले किया है फैशन में, तो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी इटसेल्फ, तो ट्रेजेडी में ड्रग्स का ही वो दिखा सकते हैं, बिकॉज कोई हैप्पी लाइफ तो आपने ड्रग्स में कभी देखी नहीं होगी, ना ही देखने को आपको मिलेगी, बट आई कैन टेल यू मोर अबाउट इट आफ्टर आई सी द फिल्म. ड्रग्स के ऊपर नहीं बनी है, एमी वाइनहाउस के ऊपर पिक्चर बनी है. ये उससे बहुत सारी चीजें थी, ये चीज है ग्रेट सिंग. एमी वाइनहाउस के ऊपर पिक्चर बनी है और मैं देखने आया हूँ कि क्या बनी है ये पिक्चर. खास तौर पे आप जैसे लोगों के लिए बनी है जो बोलते हैं ड्रग के ऊपर बनी थी, ये लड़की एडिक्टेड थी, ये खास तौर पे उस तरह के लोगों के लिए. यार हर डॉक्यूमेंट्री अच्छी चीज़ है, आजकल डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा अच्छी बन रही है फिल्मों से. अच्छी बात है ना, मुश्किल होता है. और आसिफ कपाड़िया ने इसके पहले भी सेना बनाई थी, विच वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ ऑल टाइम. इज अ ग्रेट फिल्म मेकर और उसने जो किया है हम लोग देखने जा रहे, अभी देखी नहीं है, देखने तो देखना पड़ता है. अरे मैं रीडिंग छोड़ के आया हूँ, क्योंकि एनी वाइनहॉल इज़ अ कल्ट आर्टिस्ट, सिर्फ म्यूजिशियन नहीं है और अब नहीं रही हैं, एंड वन विल ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम आसिफ. सीधी बात है कि ना हो, नस्ल ख़राब ना हो, ये तो सीधी सी बात है. बिल्कुल अवेयर करता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ रहता हूँ तो उनको ये बता देता हूँ कि कोई किसी तरह का नशा, पैसे का भी नशा अच्छा नहीं है. स्क्रीनिंग नहीं, मैं रीडिंग छोड़ गया हूँ और ये नहीं बताऊँगा. नहीं, डिस्क्रिप्शन तो दी थी ना, मुझे मालूम है ना इस फिल्म के बारे में, मुझे मालूम है, तो इसीलिए उत्सुकता है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ वंडरफुल फिल्म देयर, और अगर आप इजाज़त दो तो मैं जाके देख लूँ. थैंक यू.